नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप कुमार श्रीवास्तव आप लोग का स्वागत करता हूं सब कुछ पढ़ो चैनल पे। तो चलिए बच्चे, सब कुछ पढ़ो चैनल पे हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन हमेशा की तरह पहले हमें याद रखना है कि हमारा चैप्टर क्या है। बच्चे देख सकते हैं बोर्ड पर हमारा चैप्टर क्या है, कृषि। तो चलिए, कृषि में हमने सारी चीज़ों को पढ़ा, देखा कि कृषि के कितने प्रकार हैं। आज बच्चे हमें समझना है सस्य प्रारूप। क्या समझना है बच्चे? सस्य प्रारूप। अब सबसे पहले बात है कि क्या सस्य का मतलब आप समझ पाए। तो बच्चे याद रखिएगा, सस्य का मतलब होता है फसल, यानी हमें फसल के प्रारूप को समझना है। तो बच्चे एक बात याद रखिएगा, कहा जाता है कि भारत में भौतिक एवं सांस्कृतिक विविधता है। इस बात को याद रखिएगा बच्चे कि भारत में क्या है, भौतिक और सांस्कृतिक विविधता है, या कह सकते हैं कि भारत भौतिक और सांस्कृतिक बहुलता का देश है। और हमें यह भी याद रखना है कि भारत की भौतिक और सांस्कृतिक जो विविधता है वो भारत के कृषि पद्धति एवं सस्य प्रारूप में नजर आती है। एवं सस्य प्रारूप में क्या होती है, नजर आती है। याद रखिएगा बच्चे, कहा जाता है कि भारत जो है भौतिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से बहुलता का देश है, बहुत विविधताएं हैं। तो भारत में जो कृषि की पद्धति है और जो उनका फसल प्रारूप है, अगर आप उसे देखेंगे तो भारत की आपको ये भौतिक और सांस्कृतिक विविधता भी नजर आने लगती है। तो बच्चे जरा देखते हैं कि भारत में जो है कितने सस्य ऋतु हैं। तो एक बात याद रखिएगा बच्चे कि कहा गया है कि भारत में तीन सस्य ऋतुएं हैं। भारत में तीन क्या है बच्चे? सस्य ऋतुएं हैं। तो हमें समझना है कि ये तीन सस्य ऋतुएं क्या हैं। तो बच्चे जो पहली सस्य ऋतु है उसे हम कहते हैं रबी। क्या कहते हैं बच्चे? रबी। तो चलिए पहले हम रबी को समझते हैं, रबी को, कि रबी कैसा ये है हमारे यहाँ सस्य ऋतु है। बच्चे याद रखिएगा कि जो रबी है उसे शीत ऋतु में अक्टूबर और नवंबर के बीच लगाया जाता है। इसका मतलब है कि हमने ये देखा कि रबी फसल को कब लगाया जा रहा है, शीत ऋतु में बोया गया। कब बोया गया बच्चे? शीत ऋतु में बोया गया, और किसके बीच? तो याद रखिएगा अक्टूबर से नवंबर के बीच। तो हमने देखा कि रबी फसल की खूबी है कि उसे शीत ऋतु में बोया जाता है, जाड़े की ऋतु में बोया जाता है। और कब बोया जाता है? अक्टूबर नवंबर के बीच। और याद रखेंगे बच्चे कि जब ग्रीष्म ऋतु का प्रारंभ होता है, ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ में काटा जाता है। तो हमने देखा कि इसे शीत ऋतु में बोया गया और काटा कब गया है? ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ में हम इसे काट देते हैं बच्चे। आप ऐसे कह सकते हैं कि अप्रैल से जून के बीच। तो याद रखिएगा कि रबी फसल एक तरह से शीत ऋतु की फसल हो गई, कि हमने इसे शीत ऋतु में अक्टूबर से नवंबर के बीच लगाया और ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल से जून के बीच इसे काट दिया। क्लियर हो गया बच्चे? अच्छा, अब देखते हैं इसमें कौन कौन से फसल आते हैं। तो याद रखिएगा कि इसमें ही बच्चे गेहूं आता है। याद रखिएगा गेहूं से हम आटा बनाते हैं। तो हमने देखा कि गेहूं क्या है, रबी की फसल है। फिर बच्चे मटर चना जौ, ये सब रबी की फसल है और इन सबको हम कब लगाते हैं? शीत ऋतु में लगाते हैं। और बच्चे जौ के बाद एक और फसल है और वो क्या है? सरसों। तो आप सभी बच्चे याद रखिएगा कि गेहूं, मटर, चना और जौ और सरसों, ये सब क्या है? ये सब के सब रबी की फसल है। अच्छा, अब जो इसके उत्पादक राज्य हैं, तो याद रखिएगा कि जनरली उत्तर भारत और उत्तर पश्चिमी राज्यों में ही इसका उत्पादन होता है। इस बात को याद रखिएगा बच्चे कि इसका जो उत्पादन है, देखा गया है कि उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी भारतीय राज्यों में। इस बात को हमें याद रखना है बच्चे कि अगर इसके उत्पादन की बात की जाए तो उत्तर भारत के राज्य और उत्तर पश्चिमी भारत के जो राज्य हैं वहां पर इनका क्या होता है, बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है। अच्छा, एक चीज क्लियर करना है कि इसमें कौन कौन से राज्य आए। तो बच्चे सोचिए, उत्तर पश्चिमी में कौन कौन से राज्य हैं? पंजाब है, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, उत्तराखंड है और पश्चिमी यूपी है, उत्तर प्रदेश है। सभी बच्चे याद रखिएगा, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर,
उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। पूरी बात समझ में आई? अच्छा एक बात केयर कीजिएगा बच्चे कि इसे भी तो पानी की जरूरत होगी, तो इसे जो पानी मिलती है वो शीत ऋतु में शीतोष्ण या विक्षोभ से होने वाली वर्षा से मिलती है। याद रखिएगा बच्चे कि इसे जो पानी मिलता है शीत ऋतु में, शीत ऋतु में, शीतोष्ण या, सभी बच्चे याद रखिएगा कि इसे जो बारिश का जो पानी मिल जाता है वो इसी शीत ऋतु में शीतोष्ण या पश्चिमी विक्षोभ, क्या कहते हैं बच्चे, शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभ, शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा मिल जाती है। तो हमें इस बात को भी याद रखना है कि शीत ऋतु में शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभ आती है और उसी पश्चिमी विक्षोभ से इसे क्या मिल जाती है बच्चे, बारिश मिल जाती है। और याद रखिएगा कि कहीं ना कहीं ये जो फसल है ये हरित क्रांति में भी सहायक है। हरित क्रांति में क्या है, सहायक है, क्योंकि बच्चे जो भारत में हरित क्रांति हुई थी वो कहीं ना कहीं ऐसे क्षेत्रों से ही शुरू हुई थी और यहाँ पर शीतकालीन जो बारिश हुई थी उससे फसल उत्पादन को बहुत ही क्या मिली बच्चे, तेजी मिली। पूरी बात समझ में आ गई? अच्छा तो चलिए यहाँ तक तो हमने सीख लिया, अब जरा हम अगले ऋतु पर चलते हैं। तीन सस्य ऋतु बताया था मैंने बच्चे अभी आपको, तो हमने पहले को क्या समझा, रबी। अब जरा दूसरे को समझते हैं। तो सभी बच्चे बोर्ड पर आराम से देखिए और सारे पॉइंट्स को आप लिख लेंगे, क्लियर है, या वीडियो पॉज करके आप सारे पॉइंट्स लिख सकते हैं बच्चे। मैं मिटाऊं इसे, ओके। हम अगली सस्य ऋतु पर चलते हैं। तो बच्चे जो हमारी अगली सस्य ऋतु है उसे हम कहते हैं खरीफ। क्या कहते हैं बच्चे, खरीफ कहते हैं। यहां देखिए खरीफ। अब प्रश्न है कि खरीफ जो सस्य ऋतु है ये कब हुई, वो तो बच्चे शीत ऋतु की थी, तो ये ठीक उसके उल्टा क्या है, ग्रीष्म ऋतु की। और ग्रीष्म ऋतु में भी कब, मॉनसून आगमन के साथ। तो याद रखिएगा बच्चे कि खरीफ जो है ग्रीष्म ऋतु में मॉनसून आगमन के साथ बोई जाती है, मॉनसून आगमन के साथ बोई जाती है। तो हमने यही देखा कि रबी शीत ऋतु में बोई जा रही है और अगर खरीफ की बात करें तो ये मॉनसून आगमन के साथ यानी ग्रीष्म ऋतु के शुरुआती दौर में जब मॉनसून आता है तो मॉनसून आगमन के साथ हम किसकी फसल लगा देते हैं बच्चे, खरीफ की फसल लगा देते हैं ताकि इसे जम करके मॉनसून का, बारिश का पानी मिले, ग्रीष्म ऋतु है तो अच्छा तापमान मिले, क्लियर है। अच्छा इसे और काटते कब है बच्चे, तो सितंबर अक्टूबर में जाकर काटते हैं। इस बात को याद रखिएगा कि हम इसे काटते कब है, सितंबर अक्टूबर में काटा जाता है। तो इसके जो काटने का वक्त है बच्चे वो हमें याद रखना है, कब काटा जाता है, सितंबर और अक्टूबर में हम इसे काट लेते हैं, क्लियर है। अच्छा इसमें कौन कौन सी फसल आएगी, तो याद रखिएगा बच्चे जैसे मैंने गेहूं को महत्वपूर्ण फसल बताया था उसी में इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण फसल है वो क्या है बच्चे, चावल। याद रखिए हम प्रतिदिन अपने भोजन में कुछ ना कुछ अंश चावल का लेते हैं, तो चावल कैसी फसल हो गई बच्चे, खरीफ फसल। अच्छा चावल के साथ मक्का, ज्वार, बाजरा सब बच्चे खरीफ की फसल है। मक्का, ज्वार, बाजरा, तूर, देख सकते हैं बच्चे, क्लियर है, ये सब के सब क्या है, फिर मूंग, उड़द, कपास, मूंग, उड़द, कपास, ये सब के सब क्या कहलाते हैं बच्चे, खरीफ की फसल कहलाते हैं। पूरी बात समझ में आ गई? अच्छा जूट भी है, मूंगफली भी है, सोयाबीन भी है, आप इन सब को याद रख सकते हैं बच्चे, जूट भी है, सोयाबीन भी है, ये सब खरीफ की फसल है। और फिर क्या बच्चे, मूंगफली, मूंगफली। तो याद रखेंगे कि चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, तूर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, सोयाबीन, मूंगफली, ये सब के सब क्या है बच्चे, तो ये सब के सब खरीफ की फसल है जो मॉनसून आगमन के साथ क्या कर दी जाती है, खेतों में लगा दी जाती है। पूरी बात क्लियर है नाउ? अच्छा बच्चे अब याद रखिएगा कि चावल इसमें अलग अलग फसलों के अलग अलग क्षेत्र भी फिक्स हैं। अगर चावल की खेती मुख्य रूप से अगर पूछी जाए तो आप जानते हैं बच्चे चावल की खेती मुख्य रूप से असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार,
इन सब राज्यों में चावल की खेती क्या है बच्चे, महत्वपूर्ण है। फिर से सभी लोग ध्यान से सुनिए, चावल की खेती कहाँ कहाँ हो रही है मुख्य रूप से, असम में हो रही है, पश्चिम बंगाल में हो रही है बच्चे, उड़ीसा में हो रही है, आंध्र प्रदेश में हो रही है, तेलंगाना में हो रही है, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और बिहार में। अच्छा एक चीज केयर कीजिएगा कि कुछ वर्षों में चावल जो है पंजाब और हरियाणा की महत्वपूर्ण फसल हो गई है। इस बात को याद रखना है बच्चे कि कुछ वर्षों में ये देखा गया है कि पंजाब एवं हरियाणा की महत्वपूर्ण फसल कौन हो गई है, चावल हो गई है। इस बात को याद रखिएगा बच्चे कि कुछ वर्षों में ये देखा जा रहा है कि पंजाब और हरियाणा की भी प्रमुख फसल कौन हो गई है, चावल हो गई है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं जो है सस्य प्रारूप में भी परिवर्तन आ रहा है। पूरी बात क्लियर है नाउ। अच्छा बच्चे एक चीज और केयर करना है हमें कि असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में धान की तीन फसलें होती है जिसे हम अमन, ओस और बोरा कहते हैं। इस बात को याद रखिएगा बच्चे कि धान की क्या होती है, तीन फसलें होती है। मैं पहले इसे मिटा दूं, आप इसे सीख चुके हैं, क्लियर है। यहां देखिए बच्चे तो असम में क्लियर है ना, इस बात को सभी बच्चे याद रखिएगा कि धान की क्या है, तीन फसलें होती है, एक साल में तीन फसल हो रही है। कहाँ बच्चे, असम में, पश्चिम बंगाल में और उड़ीसा में। इस बात को याद रखिएगा, असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में धान की तीन फसल बच्चे ये पूरे वर्ष में क्या होती है, तीन फसल होती है जिन्हें हम क्या नाम देते हैं बच्चे, हम ओस कहते हैं, फिर हम उसे अमन भी कहते हैं और फिर हम उसे बोरो भी कहते हैं। तो इस बात को सभी बच्चे याद रखिएगा कि असम, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में ये देखा गया है कि धान की तीन फसलें हो रही हैं पूरे साल में, यानी धान का उत्पादन हो रहा है, जिसे हमने क्या नाम दिया बच्चे, ओस नाम दिया, अमन नाम दिया और क्या नाम दिया, बोरो नाम दिया। इस बात को नहीं भूलेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो चुका नाउ। अच्छा अब बच्चे यहाँ पहले हमने रबी को सीखा, फिर हमने क्या किसको सीखा, खरीफ को सीखा। अब याद रखिएगा बच्चे कि रबी और खरीफ के बीच भी कुछ फसलें बोई जाती हैं। तो हमने देखा कि रबी और खरीफ के बीच भी कुछ फसल बोई जाती है और उस फसल को ही क्या कहते हैं बच्चे, उसे कहते हैं जायद फसल। तो हमारा अगला फसल क्या है, प्रारूप क्या है बच्चे, सस्य ऋतु जायद। जरा देखते हैं इसे ना बच्चे, हमारा अगला है जायद। जायद याद रखिएगा कि जायद रबी एवं खरीफ के मध्य बोई जाती है। इसका मतलब हो गया बच्चे कि जो जायद फसल है वो रबी और खरीफ के यानी गर्मी और सर्दी के बीच में बोई जाती है। अब जरा सोचते हैं कि ठीक है चलिए कि जायद फसल इनके बीच में है तो जायद फसल में क्या है, क्लियर है। तो बच्चे हमें इस बात को याद रखना होगा कि जैसे तरबूज, खरबूज, खीरा, सब्जी, चारा, ये सब इसी में आता है। क्या बच्चे, तरबूज, खरबूज, खीरा, सब्जी, चारा, ये सब किस में आता है बच्चे, ये सब के सब किस में कहलाते हैं। तो हम इसे ही क्या कहते हैं, जायद फसल। तो इस बात को आपको याद रखना है कि तरबूज है, खरबूज है, खीरा है, क्लियर है, सब्जी है, चारा है, ये सब के सब क्या कहलाएंगे, जायद फसल कहलाएंगे। और ये गर्मी और सर्दी यानी रबी और खरीफ के बीच में बोई जाती है, क्लियर है। अच्छा एक चीज याद रखना है आपको बच्चे कि गन्ने को तैयार होने में एक वर्ष लग जाता है। तो गन्ना एक ऐसी फसल हो गई बच्चे जो जनरली देखा जाए कि पूरे साल तक तैयार होने लगती है, क्लियर है, क्योंकि अब उसके उसको बनाने में क्या है बच्चे, पूरा का पूरा एक साल लग ही जाता है। यहां तक आपको समझ में आ गया। चलिए अब जरा देखते हैं कि भारत की मुख्य फसलें कौन कौन सी हैं। तो हम जरा मुख्य फसलों की बात करें, पहले आप ये समझ चुके हैं, मिटा दूं इसे बच्चे मैं, ठीक है। चलिए अब हमें सीखना है भारत की मुख्य फसलें।
मुख्य फसलें। ओके तो बच्चे मुख्य फसल में सबसे पहला हमारा जो मुख्य फसल है वो क्या है, चावल है। तो चलिए सबसे पहले हम चावल को सीखते हैं, क्लियर है। तो नाउ बच्चे यहाँ पर सभी लोग क्लियर करेंगे कि मुख्य फसल क्या है, चावल है। तो अब हम जरा चावल को सीखते हैं कि बच्चे अधिकांश लोगों का खाद्यान्न है, इसका मतलब है कि भारत में अधिकांश लोगों का खाद्यान्न क्या है, चावल है। क्लियर हो गया बच्चे। तो हमने देखा कि भारत में अधिकांश लोगों का खाद्यान्न क्या है, चावल है। इस बात को याद रखिएगा, यानी भारत में सबसे ज्यादा कौन सी फसल खाई जाती है बच्चे, तो हम क्या कहेंगे, चावल खाई जाती है, क्योंकि ये भारत में अधिकांश लोगों का क्या है, खाद्यान्न है। और याद रखिएगा कि चीन के बाद भारत जो है दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। क्लियर है, चीन के बाद भारत दूसरा सबसे बड़ा बड़ा उत्पादक है। इस बात को भी याद रखना है बच्चे कि अधिकांश लोगों का भारत में खाद्यान्न क्या है, चावल है, और चीन के बाद जो भारत है वो दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, किसका बच्चे, चावल का। क्लियर है। अच्छा एक बात याद रखिएगा कि चावल किसकी फसल है, खरीफ की फसल, और इसे तापमान भी क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए। मैंने अभी आपको बताया था कि चावल क्या है, खरीफ की फसल है, और तापमान भी क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए। क्लियर है। अच्छा याद रखिए बच्चे, इसे आर्द्रता, आर्द्रता का मतलब क्या होता है बच्चे, नमी, आर्द्रता भी क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। तो आपको याद रखना है कि बच्चे चावल खरीफ की फसल है, गर्मी के शुरुआत में लगाई जाती है मानसून के साथ, तो तापमान भी ज्यादा चाहिए, और मानसून से बारिश मिल ही जाती है, तो इसे आर्द्रता भी क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए। तो हमने देखा कि इसको तापमान भी चाहिए और आर्द्रता भी चाहिए। अच्छा जहां कम वर्षा हो रही है वहां लोग क्या करते हैं, सिंचाई करते हैं। इसका मतलब है कि कम वर्षा में सिंचाई आवश्यक है, वरना फिर चावल का उत्पादन नहीं होगा। तो याद रखिएगा कि कम वर्षा में सिंचाई क्या है बच्चे, आवश्यक है। अगर बारिश कम हो रही है तो इसका मतलब है कि वहां पर सिंचाई क्या होगी, जरूरत से आपको ज्यादा करना है। तो जब सिंचाई ज्यादा होगी तभी आपको क्या होगा बच्चे, उसमें फायदा होगा। पूरी बात समझ में आ गई। अच्छा एक चीज आप लोगों को क्लियर करना है बच्चे कि चावल जनरली होता कहाँ है। तो याद रखिएगा उत्तर और उत्तर पूर्वी मैदानों में, अगर आप देखा जाए भारत के उत्तर एवं उत्तर पूर्वी मैदान में जम करके बच्चे चावल का उत्पादन होता है, यानी उत्तर भारत और उत्तर पूर्वी भारत देखा जाए उसके पूरे मैदानी क्षेत्रों में हम किसका उत्पादन करते हैं बच्चे, चावल का उत्पादन करते हैं। ठीक है। अच्छा फिर याद रखिएगा भारत के तटीय क्षेत्र जो समुद्र का इलाका है, तट पर भी होगा। अच्छा डेल्टाई क्षेत्र, इसका मतलब है बच्चे भारत में जहां जहां नदियों के द्वारा बनाया गया डेल्टा है उन सब डेल्टा में भी फिर क्या चाहिए बच्चे, वहां पर भी क्या हो रहा है, चावल का उत्पादन हो रहा है। तो डेल्टाई क्षेत्र में भी क्या है, चावल है। अच्छा फिर याद रखिएगा कि नहर और नलकूपों के प्रयोग से भी कुछ राज्यों में हम इसका उत्पादन करते हैं। तो हमें ये देखना है कि कहाँ पर नहर एवं नलकूप का उपयोग करके हम इसका उत्पादन करते हैं। तो याद रखिएगा बच्चे कि नहर और नलकूप से जो हम इसका उत्पादन करते हैं वो कहाँ पर करते हैं, पंजाब में, हरियाणा में, गुजरात में और राजस्थान में। इस बात को सभी बच्चे याद रखिएगा, कहाँ पर, सॉरी माफ कीजिएगा बच्चे, पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में और पश्चिम यूपी में। यहां तक क्लियर हो गया बच्चे। तो हमने देखा कि पंजाब में, हरियाणा में, पश्चिम, उत्तर प्रदेश